हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला, भाग चार, चतुर्थ पाठ, गीर्वाण भारती महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। गीर्वाण भारती क्या है? संस्कृत, संस्कृत भाषा का महत्व के विषय में आपको इस पाठ में बताने जा रही हूँ। बच्चों ध्यान से सुनना कि संस्कृत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। संस्कारणाम जननी संस्कृत भाषा मान्यते, संस्कारों की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा हमारे संस्कारों की जननी है। भारतीय जीवने संस्कृत भाषाया महत्वपूर्णम स्थानम विद्यते, भारतीय जीवन में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। सुरवाणी, गीर्वाण वाणी, सुर भारती, अमर भारती इत्यादि संस्कृत भाषाया नामानि सन्ति। क्या क्या नाम है संस्कृत भाषा के? सुरवाणी, गीर्वाण वाणी, सुर भारती, अमर भारती, ये सब संस्कृत भाषा के नाम है। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृतमेव मन्यते, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको माना जाता है? संस्कृत भाषा को माना जाता है। भारतीय भाषासु न्यून अधिक रूपेण अस्या शब्दा प्रयुज्यते, क्या होता है कि इसके शब्दों का कम और अधिक, भारतीय भाषाओं में इसके शब्दों का कम भी और बहुत अधिक भी प्रयोग किया जाता है। अतः भाषा विदो मते इयम सर्वासाम भाषाणाम जननी मन्यन्ते। इसीलिए भाषा विदो के अनुसार, ये जो भाषा के ज्ञानी हैं उनके अनुसार, इसे सभी भाषाओं की, किसे? संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। विश्वस्य आदिमय ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत भाषायामेव अस्ति, जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है कौन सा है? ऋग्वेद, वो भी संस्कृत भाषा में ही है। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सब भी संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि इतनी पुरानी भाषा है कि हमारे जो सबसे पुराने वेद है वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। चत्वारा उपवेद अपि संस्कृत एव विरचिता, चारों वेद भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं, चारों उपवेद संस्कृत में लिखे गए हैं। सर्वा उपनिषद संस्कृत भाषा में उपनिषदा, सारे उपनिषद भी संस्कृत भाषा में ही बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। शिक्षा कल्पन रिक्त चो ज्योतिष छंद व्याकरणानि समस्तानि संस्कृत एव प्रणीतानि। शिक्षा कल्प के अलावा ज्योतिष छंद और व्याकरण जितने भी समस्त संस्कृत है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। वाल्मीकि रामायणम व्यासकृतम महाभारतम महाकाव्यानि च संस्कृत भाषायाम एव विन्दते। वाल्मीकि की रामायण और महाभारत, व्यास के द्वारा लिखी हुई महाभारत और महाकाव्य संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। आप देखे हुए ऋषि बैठे हुए हैं, सब हमारी इतनी प्राचीनतम भाषा है संस्कृत कि सारे वेद उपनिषद सब कुछ, हमारे महाभारत ग्रंथ रामायण सब हमारे संस्कृत में ही लिखे गए हैं। अतीत सरसम वर्तते संस्कृत भाषाया साहित्यम, संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ही सरस है। संस्कृत भाषाया व्याकरणम नितांतम व्यवस्थितम अस्ति, संस्कृत भाषा का व्याकरण बहुत व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित रूप से बनाया गया है। मानवीय गुणानाम संस्कारणाश्च उद्गम स्थानम संस्कृतमे एव, संस्कृत मानवीय गुणों और संस्कारों का उद्गम स्थल है, उनसे ही निकली, संस्कृत से ही निकले हैं सब मानवीय जो गुण निकले हैं। और भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्यक्तम यत तस्य पृथक सर्वथा असंभव, भारतीय जीवन में संस्कृत इतना अधिक, संस्कृत का इतनी व्यापक है संस्कृत कि इसको अलग करना बहुत मुश्किल है जीवन से। तस्य प्रथम सर्वथा असंभव, इसका उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। भारतीय वयम संस्कृत अध्ययन, हम सब भारतीयों को संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। श्रेष्ठम भवामः, और हमें ये इसका अध्ययन करना हमें श्रेष्ठ बनाता है, हमें अच्छा बनाता है। संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। आप देखना बच्चों, जब भी कभी हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं या संस्कृत का कोई, हमारे कोई पूजा पाठ होती है, पंडित वगैरह संस्कृत का उच्चारण करते हैं तो वातावरण इतना शुद्ध होने लगता है, ऐसा लगता है कुछ पूजा चल रही है हमारे घर में, आज सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो संस्कृत भाषा, लेकिन भाषा
संस्कृत भाषा का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, वही प्रभावशाली रहता है। तो संस्कृत भाषा का इतना अधिक महत्व है, हमारे प्राचीनतम सारे वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं और संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा इयमेव भाषा मत्र ध्वने विपेश्च सर्वत्र एक रूपा वर्तते। ये भाषा क्या है? मंत्र, ध्वनि और लिपि की दृष्टि से सब जगह एक ही समान है, सब जगह एक ही समान है ये। अतः अस्माकं सर्वेषां संस्कृत भाषा समाराधनीया, इसलिए हम सभी को संस्कृत भाषा की क्या करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। केना प्रक्तिम, किसी ने सच ही कहा है, भाषा सु मधुरा मुख्या दिव्या गीवाण भारती। भाषाओं में मुख्य और मधुर गीवाण भारती है, यानी कि भाषाओं में मुख्य और मधुर संस्कृत भाषा ही है। तो इस प्रकार बच्चों, पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। सुखानी, देवताओं की वाणी। प्राचीनतमा, पुराने समय में न्यूनाधिक, कम या अधिक। विश्वस्य, संसार के। अभिव्याप्तम माने फैला हुआ। अध्ययनेन, अध्ययन से। समाराधनिया, पूजा करनी चाहिए। गीर्वाण भारती, संस्कृत भाषा। तो पाठ में आए हुए बच्चों, हमने कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। अब हमारा ये अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे विश्वस्य आदि ग्रंथस्य किम नाम, विश्व के आदि ग्रंथ का क्या नाम है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। संस्कृत भाषाया व्याकरण कीदृशम अस्ति, संस्कृत भाषा का व्याकरण कैसा है? व्यवस्थितम। भारतीय भाषासु कीदृशा शब्दा पूज्यन्ते, भारतीय भाषाओं में कैसे शब्द प्रयुज्यन्ते होते हैं? न्यूनाधिक शब्दा, प्रयुज्यन्ते। अस्माकं सर्वेषां का समाराधनीया, हम सबको किसका किसका सम्मान करना चाहिए? संस्कृत भाषाया। संस्कारणाम जननी कह मन्यते, संस्कारों की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अतीत, अतीव डैश वर्तते संस्कृत भाषाया साहित्यम, अतीव सरसम वर्तते संस्कृत भाषाया महत्वम। सेकंड है भारतीय वयम डैश अध्ययनेन श्रेष्ठम भवामे, भारतीय वयम संस्कृत अध्ययनेन श्रेष्ठम भवामे। थर्ड है विश्वस्य आदिमय ग्रंथ डैश संस्कृत भाषाया साहित्यम, विश्वस्य आदिमय ग्रंथ है ऋग्वेद संस्कृत भाषाया साहित्यम। भाषासु मधुरा मुख्य दिव्या दीवान भारती, अस्माकं सर्वेषां संस्कृत भाषा समाराधनिया, हम सभी को संस्कृत भाषा का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। जैसे उपवेदा इति क्रियापदे उपसर्ग अस्ति, उप। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा मन्यते संस्कृते, विश्वस्य आदिमय ग्रंथ है संस्कृत भाषायामेव अस्ति ऋग्वेद। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों, कुछ वाक्य दिए हुए संस्कृत में जिनका को हमको हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कारणाम जननी संस्कृत भाषा मन्यते, संस्कारों की जननी, की जननी संस्कृत भाषा मानी जाती है, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे संस्कारों की जननी है। नेक्स्ट, चत्वारे उपवेदा अपि संस्कृतेव विचरचिता, चारों उपवेद भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या दीवान भारती, भाषाओं में
भाषाओं में मधुर और मुख्य गीवाण भारती यानी कि संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा या व्याकरणम नितांत व्यवस्थितम अस्ति। संस्कृत भाषा का व्याकरण व्याकरण व्यवस्थित है। संस्कृत भाषा या अनेक नाम अस्ति। संस्कृत भाषा के अनेक नाम हैं। संस्कृत भाषा के अनेक नाम है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, कुछ हिंदी वाक्य हैं उनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है, इसका साहित्य बहुत ही सरस है। अस्य साहित्य अतीव सरस अस्ति। नेक्स्ट है फिर, आदि ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ही है। आदिम ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत भाषाया में अस्ति। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा मानव जीवन में उपयोगी है। संस्कृत भाषा मानव जीवने उपयोगी अस्ति। हम भारतवासियों को संस्कृत की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, संस्कृत मानवीय गुणों और संस्कारों का स्रोत है। संस्कृत मानवीय नाम गुणानाम च संस्कारानाम स्रोतः अस्ति। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाने हैं हमें। पहला शब्द है सरसम। संस्कृत भाषा अतीव सरसम। पत्र ध्वनि उद्गम स्थानम संस्कृत सर्वेषां भाषाणां उद्गम स्थान अस्ति। अध्ययनेन विद्यार्थी अध्ययनेन परीक्षां सफलं भवति। समाराधनीय वयं संस्कृत भाषां समाराधनीय। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, संधि विच्छेद करने हैं। संस्कृत भाषाया संस्कृत धन भाषाया महाकाव्यानि महा प्लस काव्यानि अभिव्याप्तम अभि प्लस व्याप्तम लिपेश्च लिपि प्लस च समस्तानि समह प्लस तानि समस्तानि। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्दों का संधि विच्छेद किया। ये एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों, हमें संस्कृत विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं कि संस्कृत में क्या है, कौन सा ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया, हमें संस्कृत भाषा का क्या करना चाहिए, संस्कृत भाषा हमारी क्या है, संस्कृत भाषा से हमें कैसा लगता है। ये सब 5 वाक्य लिखकर आप अपने होमवर्क में अपने टीचर को दिखाइए।
आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं और अपने गृह कार्य की कॉपी में भी इस कार्य को आप कर सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आभार।